राज ने हॉस्पिटल में फोन किया भी है या नहीं? हाँ किया था। तो फिर डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ मर गए सबके सब? आप फोन करके पूछ लीजिए। हेलो, हाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल। देखो भाई, हम पृथ्वीराज बोल रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि डॉक्टर सुरेश कोठारी को हमने फोन लगाया था, वो एम्बुलेंस। हाँ नहीं नहीं बहुत इमरजेंसी केस था। अच्छा, कितनी देर पहले? अच्छा 10 मिनट पहले। ओके ओके, थैंक यू। मतलब और 10 मिनट। पिताजी, पिताजी चिंता मत करो बेटा, डॉक्टर साहब आते हैं। माँ, अगर पिताजी को कुछ हो गया ना, कि जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ ताऊ जी। मैं जब कमरे में आई तो पिताजी तड़प रहे थे, माँ ने उन्हें पंप तक नहीं दिया। क्या कह रही है तू? मैं क्या तुम्हारे पिताजी के दुश्मन हो? दुश्मन नहीं हूँ। तुमने पवन को पंप क्यों दिया? मैं घबरा गई थी, मेरे को समझ में नहीं आया। बट मैं ये भी नहीं आया कि पवन तड़प रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो जाके ना कमरे में छोड़कर चली गई। माँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कुछ पेपर चेक करने हैं। अच्छा ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? नमस्ते मोहन भैया। माँ से कहो कि रामदीन आया। माँ, रामदीन आया। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। तो धनराज भैया को भेजा था, लेकिन डर के मारे नहीं आए, वो तो हमको आना पड़ा। क्या हुआ रामदीन, सब ठीक है ना? नहीं मालकिन, ठीक नहीं है, बड़ी बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? पवन तो ठीक है ना? नहीं, वो बहुत बीमार है, पता नहीं वो बचते भी हैं कि नहीं। इसलिए बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है, छोटे मालकिन आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ ही आती हूँ। जी माँ, नहीं जाओगे? पवन की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, अगर वो मर भी जाए तब भी तुम नहीं जाओगी? मोहन, माँ ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा। बकवास बंद करो मोहन। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, और मैं तुम्हें उनके घर नहीं जाऊंगा, ना तबीयत पूछने ना उनके जनाजे पर। मोहन, मोहन, पवन को मैंने बच्चे की तरह पाला है। वो 2 साल का था जब माँ चल बसी थी, मैंने उसे बच्चे की तरह पाला, पूछना पड़ा किया पाला। तभी तो तुम्हारा सब कुछ हथिया कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया ना। देख मोहन, जो कुछ हुआ उसका दोष मैं पवन को नहीं देती। मेरा कसूरवार तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के लिए भी मेरे मन में कभी बदले की भावना नहीं थी। अगर वो गिर गए हैं तो हमें नहीं गिरना है। मोहन, जिंदगी में माफ करना भी सीख लो। माँ तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं जानता हूं कि तुम मेरे कहने से रुकोगी नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा।